A very good morning to all of you. I hope you all are safe and fine. So if your child is studying in APS, अगर आपका बच्चा किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है and if you want to pay his fee online, then I will tell you the right procedure. I know most of the parents, they are facing problem in online transaction. That is why they are avoiding the online payment mode. So if you want to know, you can go through this video. Okay, so first आप Google में जाके search करेंगे www.apsdigicam.com. Okay, search it. यहाँ पे आपको जो डिजी कैंपस का फर्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा. नाउ द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू फाइंड द लॉगिन ऑप्शन इफ दे आर यूजिंग मोबाइल. सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेटिंग है थ्री डॉट्स है, यहाँ पे जाके पहले इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है. सो डेस्कटॉप साइट में ये जैसे आपका पीसी या लैपटॉप में दिखेगा वैसे ही यहाँ पे भी शो होगा. सो जिससे आपका ये लॉगिन ऑप्शन जो पहले छुप रहा था वो अब दिखाई देगा. सो आप लॉगिन में जाके टैप करेंगे, यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे ऑप्शन है, एकेडमिक्स, टीचर, स्टूडेंट्स. सो यू विल टैप ऑन स्टूडेंट. आफ्टर दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल्स पूछी हैं. यूज़र नेम, यूज़र नेम वही होगा जो बच्चे का एडमिशन नंबर होगा. सो आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, मैंने बच्चे से ली है सो दैट मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बता पाऊँ. सो यूज़र नेम इज़ द एडमिशन नंबर, पासवर्ड, द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ पासवर्ड ओनली. इफ़ देयर इज़ सम चेंज तो आपके स्कूल ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा, बट द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ पासवर्ड ओनली इन स्मॉल लेटर, पासवर्ड. डेट, मंथ एंड ईयर, यहाँ पे आपको सेट करनी पड़ेगी डेट, मंथ एंड ईयर. सो जुलाई है यहाँ से पहले तो इसको ईयर को 2019 है, यू विल सर्च फॉर 2002. ओके, देन मार्च एंड 18 इज़ द डेट. नाउ सर्च द स्कूल, टाइप द नेम ऑफ द सिटी एंड आपको अपने स्कूल का नाम दिखाई देगा. आफ्टर दिस यू हैव टू टाइप इट लाइक इट इज़ देयर, सिमिलरली स्मॉल लेटर बी, बी टी सी एंड फोर, देन लॉग इन. लॉग इन के बाद यू कैन सी यहाँ पे आपके बच्चे की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको शो करेंगे. नेम टॉप पे है, देन प्रोफाइल, अटेंडेंस, मार्क्स, टाइम टेबल, फ़ी. सो आप यहाँ पे जो भी आपको देखना है यू कैन सी दैट. हमें अभी फ़ी पे टैप करना है. दिस इज़ दी लास्ट ट्रांजेक्शन शोन, जो आपने लास्ट ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा. ऑल ड्यूज़ जितना भी आपका है वो आपको दिखेगा. ऑनलाइन पेमेंट, प्रिंट चालान, कुछ भी आपको करना है आप यहां से कर सकते हैं. बट अगर हमें अभी फ़ी पे करनी है तो यहां पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, फ़ी डिटेल्स. फ़ी डिटेल्स में आपको लास्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी और पे में आप टैप करेंगे तो आप अभी की फ़ीस अपनी सबमिट कर सकते हैं. देन यू विल सेलेक्ट द पीरियड, कौन से मंथ की आपको फ़ी पे करनी है. सपोज़ जुलाई टू अगस्त, सेप्टेम्बर, सो यू विल टैप ऑन दैट. यहाँ पर आपकी टोटल अमाउंट फ़ीस शो होगी 7170. सो यू विल टैप ऑन द ग्रीन वन. यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे ऑनलाइन मोड आपको दिख जाएंगे. इफ विल टैप एयर पे और पे नाउ तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग. यू कैन पे द फी थ्रू एनी मोड जो भी आप यूज़ करते हैं. क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. देन फ़ोन पे भी है यहाँ पे. क्रेडिट कार्ड में आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी लाइक कार्ड नंबर, देन सीवीवी नंबर. कार्ड नंबर आपके फ्रंट में लिखा होता है कार्ड के एंड उसके नीचे ही उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी. एंड लास्ट पीछे जो कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर पूछा होगा तो लास्ट में कार्ड के पीछे एक सिक्स डिजिट का नंबर होगा, उसमें से लास्ट थ्री डिजिट जो है आपको सीवीवी में डालनी पड़ेगी. सो आप इनमें से किसी भी आप
यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ का जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड इफ़ पेटीएम, सो आप पेटीएम में टैप करिए, पेटीएम का भी ऑप्शन है पे नाउ, सो दिस विल टेक टू पेटीएम साइट। अगर आपका पहले से ही पेटीएम में अकाउंट है तो कैन डायरेक्टली लॉग इन। यहाँ एनरोलमेंट नंबर इज सिमिलर टू योर एडमिशन नंबर, प्रोसीड। तो यहाँ पे देखिए लॉग इन टू पेमेंट पेटीएम, सॉरी। सो अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यू कैन डायरेक्टली लॉग इन, अगर अकाउंट नहीं है तो यू कैन साइन अप फॉर पेटीएम, पेटीएम का अकाउंट यहीं से बन जाएगा और यू कैन डायरेक्टली पे द फी। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि आप कैसे बच्चे की फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।